HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। हरिओम बाबू क्या बात होगी? अरे इतने बड़े ग्रुप से, जागरण ग्रुप से फिर भी आपको रोक रहे, कमाल की बात है। ये तो क्या नहीं है, नहीं जी क्या बात हुई? पत्रकारों को नहीं जाने दे रहे ना, DPRO से बात कर लो। वो अरे मैं तो इससे बात खराब सवाल नहीं कर रहा। अब बता, पत्रकारों को मना कराया ना जाने के लिए? मना कर दिया जाने के लिए? DPRO से बात कर। देखिए हम इस वक्त खड़े हैं जिला मुख्यालय पे, हमारे साथ ये कुछ लोग हैं, एक महिला है, ये पुरुष है और पत्रकार साथी भी खड़े हैं हमारे यहाँ पर, जिनका यहाँ मुख्यालय में नो एंट्री कर दिया है। आम जनता के साथ साथ पत्रकारों का भी बैन कर दिया है कि कोई भी पत्रकार बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकता। जाहिर अच्छी बात है, प्रशासन नियमों का पालन कर रहा है और पत्रकार भी नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी की आवाज़ अभी भी प्रशासन दबने नहीं देगा, सीधा सीधा बात करेगा। महिला हमारे साथ है, इसी से जानते हैं क्या इसकी परेशानी है। मैडम एक बार आप अपनी परेशानी बताओ, अपना नाम पहले, पूरा पता बताओ, रो नहीं, पहले पूरा प्रॉब्लम अपनी बताओ। सर मैं रेवाड़ी के रहने वाली हूँ, संतोष मेरा नाम है, दुर्गा कॉलोनी संतोष मेरा नाम है सर, रेवाड़ी के रहने वाली हूँ और मेरा जूता लॉकडाउन में फंसा हुआ है, कथल गया था, कुछ पैसे उसे का लेन देन के, उसमें मेरी माँ एक सिस्टर रहती है कथल में, उसके पास गया था और वो 19 अप्रैल को गया था सर, फिर वो लॉकडाउन में वहीं फंस गया। अब एक महीना हो चुका, मैंने से भी ऊपर हो चुका है, इधर मैं अकेली रहती हूँ, हस्बैंड मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, आर्मी में मेरे हस्बैंड थे वे एक्सपायर हो चुके हैं, मैं अकेली रहती हूँ बिल्कुल। अब दिक्कत क्या है, वो अपनी बहन, आपकी बहन के घर अपनी मौसी के पास है, प्रॉब्लम क्या है? उधर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो किराए पर रहती है और बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता है मेरा। तो आप चाहते क्या हो? मैं बेटे को यहाँ जाना चाहती हूँ अपने पास। तो परमिशन क्यों नहीं दे रहा प्रशासन? की आवाज़ कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ? मैं तो आज ही आई हूँ सर, इंतजार करके, चल खुल जाएगा खुल जाएगा, और इंतजार करके आई हूँ DC ऑफिस में, यहाँ मेरे को मिलने नहीं दे रहे, मेरे नहीं जाने नहीं दे रहे हैं, कहते हैं और इंतजार करो। कितने आप अभी तक किससे मिले हो? मैंने वो नंबर पर फ़ोन किया था, कौन सा सर, कितना 1950 नंबर पर फ़ोन किया था, तो मैम बोली थी, मैम बोलने लगी कुछ नहीं होता है, अब आप घर जाइए, ये दुनिया फंसी हुई है सर, मेरा ये कि बेटा हम दो ही घर में रहते हैं, वहाँ बेटा। ठीक है, हमने आपकी बात सुनी, आपकी बात भी सरकार तक पहुँचेगी। तो इन्होंने अपना पूरा दर्द बयां करा, इनका बच्चा है कैथल में, अपनी मौसी के वहाँ फंस गया है, अब ये चाहती है कि उस बच्चे को आने के लिए प्रशासन परमिशन दे, रास्ता दे, किसी तरीके से आराम से इनकी बात को प्रशासन तक पहुँचाया जाएगा। एक बार आप अपना शुभ नाम पूरा परिचय बताइए जी, आपकी क्या दिक्कत परेशानी? सुरेश यादव नाम है जी, लक्ष्मी नगर से हूँ, मेरी भैंस बीमार है जी और यहाँ के डॉक्टरों ने रेफर के लिए लेटर बना दिया, इसको हिसार ले जाया जाए, और मैं परमिशन के लिए आया हूँ, भीतर नहीं जाने दे रहे। तो परमिशन मिली नहीं मिली आप लोगों को? नहीं मिली सर। क्यों नहीं मिलने देते, क्या बात? नहीं दे रहे सर, पुलिस वाले गेट पे खड़े हैं। क्या नहीं, वो अंदर से किसी से तो बात कर रहे होंगे, पुलिस वाले किससे बात कर? किसी से बात नहीं कर रहे, वो बोलते हैं कि हमारे को मना कर रहे कि नहीं जाने दे रहे। तो यहाँ आपको नहीं जाने दे रहे, किसी मीडिया कर्मी भी नहीं जाने दे रहे, किसी को भी नहीं जाने दे रहे। तो देखिए ये जिला मुख्यालय का गेट है, नो एंट्री का बोर्ड है, पुलिस कर्मी यहाँ बैठे हुए हैं, लोग यहाँ आते हैं मिलने के लिए प्रशासन से छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जाहिर है हर आदमी की अपनी एक समस्या है, मीडिया कर्मियों की भी अपनी समस्या, उन्हें वर्जन के लिए, उन्हें अपने जवाब के लिए, खबरों के लिए आना पड़ता है, तो उनका बैन कर दिया, मीडिया वालों का बैन कर दिया, चल जाएगा। जाहिर है मीडिया से कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की नाराजगी रहती है कि मीडिया सच्चाई ना दिखाए, ये कहीं ना कहीं एक मंशा भी हो सकती है, इसलिए मीडिया का बैन कर दिया। लेकिन ये आम आदमी जो है, इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनकी जो सुनने वाला है, वो यहाँ अब कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब जाहिर सचिवालय को बैन कर दिया तो परेशानी सभी के साथ है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR News।